अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HEC की तरफ से हैंगरी कम स्कॉलरशिप आया जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट हैं, PID लेवल के हैं, उन सब के लिए ये स्कॉलरशिप आई है और इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है और इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बैचलर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर लेवल की जो डिग्री है वो स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका डिसिप्लिन चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज आ जाएगा। ये जो फॉर्म है इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट के जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल मैंशन है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा और ये वाले डिपार्टमेंट्स जो हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को ये जो लिंक नज़र आ रहा है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट नज़र आएगी। इस वेबसाइट में आप लोग अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मैंशन करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जिस यूनिवर्सिटी का वो स्कॉलरशिप चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इनको यूनिवर्सिटी वो शो हो जाएगी। अगर हम इसके फाइनेंशियल कवरेज के बारे में डिस्कस करें कि स्टूडेंट्स को कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हुआ है। इस पेज के अंदर लिखा हुआ है बैचलर लेवल और मास्टर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मंथली 43,700 हैंगरी कम दिए जाएंगे जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 30,000 के करीब करीब बनते हैं। तो आप लोग यहां से मुकम्मल डिटेल पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां पे मुकम्मल डिटेल जो वो मेंशन है कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। मेन चीज़ जो है वो अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है, आप लोग इस अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मुकम्मल इंस्ट्रक्शन को आपने रीड कर लेना है। आप लोग क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। लिंक पर क्लिक करने से पहले आप लोग यहाँ से डिटेल जो है वो रीड आउट कर लें। यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो आप इजीली कर लेंगे, मोटिवेशन लेटर वो भी आप डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास एक लैंग्वेज लेटर होना चाहिए जो कि प्रूव्ड लेटर होना चाहिए वो भी आपने इसके साथ मैंशन करना है, आपके पास स्कूल लेवल के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं और ट्रांसक्रिप्ट भी आपने मुकम्मल जितने भी आपके पास ये मैंशन फील्ड हैं ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फिर ही आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे। आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए इस बिकम एन एप्लीकेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी मुकम्मल डिटेल जो वो मेंशन करनी है, आपने नेम लिखना है फुल नेम, ये आपका ईमेल जो है आपके ये अपनी आपने अपनी स्काइप ID लिखनी है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मुकम्मल फील्ड फिल करने के बाद इन बॉक्सेस को चेकआउट कर देना है और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाएगी। जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप लोग इस साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग अपना साइन इन कोड जो है वो भूल चुके हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आई फॉरगेट माई कोड। जैसे ही आप फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है और आपको एक कोड जो है वो आपके ईमेल पे आ जाएगा और वो कोड आपने यहाँ पे मेंशन करना है और इस तरह आप इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इसकी HEC का जो बैंक अकाउंट है HBL का, इसके अंदर 500 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे और जो कि नॉट रिफंडेबल होंगे। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे उसके साथ ही 500 रुपीज़ जो सबमिट करवाएंगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2020 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।